ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। काफी सारे लोग आ गए, तुम लोग आज टाइम पे 10-12 बच्चे। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 वीक्स बिगिन। ओके, ये आखिरी के सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली आपके 15-20 दिन बचे हुए हैं आपके पास। राजा सिंह जी, आपको भी यहाँ पे गुड मॉर्निंग एंड वेलकमिंग यू ऑल टू द क्लास। तो देखो, टाइम कम है, जल्दी जल्दी पढ़ो चीजें, टाइम पास मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। एंड 25th तक का टारगेट मेरा भी है, 25th तक का टारगेट आपका भी है, यानी कि पूरी स्टडी साथ साथ फैमिली 25th ऑफ मार्च तक जितना पढ़ना चाहेगी उतना पढ़ेगी, फिर वो खुद से पढ़ने की बात हो या मेरे यहाँ पढ़ाने की बात हो। ओके, इतना समझ आ गया? समझ के आ गया, मतलब इतना यही है, ये करना है। ओके, सो वी हैव 21-22 पीपल वॉचिंग दिस क्लास, लाइक दिस सेशन। राहुल, यू आर नॉट लेट, अभी क्लास स्टार्ट हुई है। एंड कृष्णा इज सेइंग हैव अ ब्यूटिफुल डे, हैव अ ब्यूटिफुल डे एंड मेक श्योर यू मेक द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स आउट ऑफ इट एज इन यू स्टडी द मोस्ट। ओके, सबसे ज्यादा पढ़ो अच्छे से, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हों और ज्यादा से ज्यादा चीजें रिटेन हों। कल सर ने कुछ क्वेश्चंस डाले थे रिलेटेड टू फिजिक्स, में भी फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, राइट? तो और इवन केमिस्ट्री भी था थोड़ा बहुत। तो आई होप वो क्वेश्चंस आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर अटेम्प्ट किए हैं, उसमें अगर कोई भी डाउट है, भले ही वो सर का टॉपिक हो, मेरा टॉपिक हो, किसी का भी टॉपिक हो, आप उसको मेल करके अगर कोई भी डाउट है तो मेल कर लो यहाँ पे, वी वुड रिप्लाई टू यू। ऑल्सो आई गॉट अ मेल रिगार्डिंग कि मैम प्लेलिस्ट बना दीजिए सारे सब्जेक्ट्स की। मैंने पहले दिन से प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। सो ऑल यू नीड टू डू इज, आप जब चैनल खोलते हो वीडियोज में जाने के बाद, मतलब जो वीडियोज खुलते हैं उसमें आप प्लेलिस्ट वाला टैब क्लिक करो, उसमें आपको अलग अलग यूनिट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ओके, सो दिस इज इट, लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप, इंडिया अनाउंस स्टैब्लिशिंग अ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया ने ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस करने की बात करी एंड दैट वुड बी विद विच कंट्री? ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क या फ्रांस, इन चारों में से किसके साथ ये पार्टनरशिप की बात इंडिया ने करी है? बताओ बताओ बताओ। बताया जाए, जल्दी बताया जाए। एंड द आंसर टू दिस इज, इसका आंसर इज, क्या है इसका आंसर बताओ? ओके, द आंसर टू दिस इज डेनमार्क। डेनमार्क है, कुछ चित्र लगा दिए जाएंगे, आई पुट सम पिक्चर्स हियर, तो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है? मोदी जी अटेंडेड फर्स्ट वर्चुअल समिट विद मेटी फ्रेडरिक्सन, ये जो है ये काफी सुंदर सी प्राइम मिनिस्टर हैं डेनमार्क की, एंड देखो इनको जाके, अराउंड 45-47 ईयर्स की हैं ये, काफी सुंदर हैं ये। देखो यहाँ पे मोदी जी को देख लीजिए और इनको देख लीजिए, इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके तेजस्विनी, थैंक यू, इफ आई एम गुड विद इकोनॉमिक्स एंड बायो टू, ज्यादा से ज्यादा चीजें हम कवर करेंगे। ओके, हो सकता है अक्टूबर के बाद अब हम करंट अफेयर्स थोड़ा सा छोड़ के बाकी मेन टॉपिक्स को कवर कर लें, बिकॉज ये तो आप पीपीटी आपको अगर भेज दी जाएगी तो यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। ओके, सो वी विल ट्राई फोकसिंग ऑन इकोनॉमी एंड हिस्ट्री ऑल्सो, और उसके बाद इन्वायरमेंट भी थोड़ा बहुत करना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सारे टॉपिक्स देख लें। नेक्स्ट, विच बॉडी हैज ऑर्डर्ड, विच बॉडी, बॉडी पूछी गई है आपसे, विच बॉडी हैज ऑर्डर्ड टू प्रोवाइड ड्राई राशन टू ऑल सेक्स वर्कर्स? कंट्री के सारे सेक्स वर्कर्स को ड्राई राशन प्रोवाइड करने की बात किस बॉडी ने करी है? एंड दैट टू विदाउट इंसिस्टिंग ऑन अ राशन कार्ड, विदाउट इंसिस्टिंग ऑन अ राशन कार्ड। इज इट नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या फिर NHRC? इन चारों में से कौन सी बॉडी की बात की जा रही है? फुँ.
ओके सो द आंसर टू दिस इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ओके द आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया है ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को टू प्रोवाइड ड्राई राशन टू ऑल द सेक्स वर्कर्स इन द कंट्री. ठीक है. द टॉप कोर्ट हैज प्रोनाउंस दिस ऑर्डर ऑन ऑब्जर्विंग द हार्डशिप्स फेस्ड बाय सेक्स वर्कर्स ड्यू टू कोविड पैंडेमिक. हर चीज कोविड से रिलेट हो जा रही है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है आपकी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को. ये देख लो सुप्रीम कोर्ट को, और नीचे देख लो एड फॉर सेक्स वर्कर्स. ओके एंड वर्षा का मैंने यहाँ पे एक कमेंट पढ़ लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ओके तो आज का मैं टारगेट अपना ही यहाँ पे बना लेती हूँ. द टारगेट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ये होगा इतना इकोनॉमी में. आफ्टर दैट आई विल बी कंप्लीटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935. ओके दैट्स इट. कोई और डिमांड तुम लोगों की, कोई और एक्ट पढ़ना है यहाँ पे, सो बीएससी से भी एनएससी कर लेंगे एंड 1919 और 1935 कर लेंगे, अपार्ट फ्रॉम कंप्लीटिंग अक्टूबर के करंट अफेयर्स. अक्टूबर इज पहला अपन अभी कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस अगले लेक्चर में होंगे. ठीक, तो इतना आज का हो गया. किसी की और कोई डिमांड है तो बता दें. सिर्फ आज की डिमांड पूछ रही हूँ मैं, ओवरऑल डिमांड नहीं पूछ रही हूँ. ओवरऑल तो तुम लोगों की एंडलेस डिमांड होती है. सो बीएससी से भी एनएससी इंपॉर्टेंट है, देन यू हैव अक्टूबर के करंट अफेयर्स एंड 1919 एंड 35. योगी जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच योगेश. ओके सो आई थिंक दिस इज इट. इससे पहले बाकी लोगों की डिमांड है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े. सो दिस इज माई टारगेट फॉर टूडे, लाइक आई हैव टू टीच यू ऑल दिस टूडे. बाकी आज की बात कर लो, तुम लोग तो स्कीम इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हो, मैं आज की बात कर रही हूँ. ठीक है, थोड़ा ह्यूमनली ट्रीट करो मुझे यार, नहीं तो मुझे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाना पड़ेगा. ओके चलो ठीक है, कुछ और हो तो हम लोग एक आध दो क्वेश्चन बाद फिर से बात करते हैं इस पे. हु हैज टॉप्ड द IIFL वेल्थ यूरन इंडिया रिच लिस्ट? कौन करेगा थोड़ा सोच लेना पहले तो, और फिर आंसर देना. रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेम जी या अनिल अंबानी, बताओ यार. इसमें ज्यादा सोचने वोचने वाली बात नहीं है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, और नहीं पता है तो पता कर लो. द आंसर इज मुकेश अंबानी, चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज. ओके ये देख ली जाए, यहाँ पे शक्ल नहीं बनी है, अंबानी जी को बना देते हैं यहाँ पे. ओके ठीक है नेक्स्ट. काफी दुखी लग रहे हैं, अरे यार खुश कर दो इनको. ठीक है नेक्स्ट. फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शंस अमाउंटिंग टू 12,000, अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़ हैव बीन अनअर्थ रिसेंटली इन विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शंस देखे गए हैं, और कितने अमाउंटिंग टू 12,000 करोड़? इज इट ICICI बैंक, DHFL, पॉपुलर फाइनेंस या फिर शारदा चिट्स? बताया जाए फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस कहां पर देखे गए हैं. सो रिसेंटली द फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, राजू आर करेक्ट, द आंसर इज DHFL. ओके इट्स रिपोर्टेड दैट फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस अमाउंटिंग टू 12,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली हैव टेकन प्लेस. अब DHFL का आधे लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता है, प्लीज ये देख लो, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड. ये है यहाँ पे फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस देखे गए हैं. ओके एंड दिस ऑब्जर्वेशन वॉज मेड बाय ग्रांट थॉर्नटन, अ ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी. ये एक ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है. ओके वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन इज इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड? इज इट September 31st, 2nd या फिर 3rd October? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे बताओ, जल्दी बताओ. The answer to this is, बताओ बताओ बताओ.
द आंसर इज सेप्टेम्बर 30th। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज एन इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड एनुअली, हर साल मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे है, 30th सेप्टेम्बर को मनाया जाता है। ओके नेक्स्ट। अच्छा ये देख लो भाई, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे है, चित्र चिपका दिया गया है तुम्हारे लिए, 30th ऑफ सेप्टेम्बर, यहाँ डेट डली हुई है। थीम देखो, थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस थीम को तुम फिर कोरोना से रिलेट कर सकते हो। द थीम इज फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। एक फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। अब ये वर्ल्ड इन क्राइसिस क्या है? क्राइसिस कौन सी क्राइसिस की बात करी जाएगी 2020 में, राइट? इतना समझ पा रहे हो? सो ये थीम जो है, दिस वॉज फाइंडिंग द वर्ड्स, फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस, ये इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की आपकी थीम है, जो कि मनाया जाता है 30th ऑफ सेप्टेम्बर को हर साल। ओके नेक्स्ट। विच कंपनी हैज प्रपोज्ड, कौन सी कंपनी हैज प्रपोज्ड टू इन्वेस्ट 3,675 करोड़ इन रिटेल आर्म ऑफ रिलायंस? किस कंपनी ने प्रपोज किया है इन्वेस्ट करने का? वर्जिन अटलांटिक, जनरल अटलांटिक, पैसिफिक अटलांटिक या फिर माइक्रोसॉफ्ट, इन चारों में से किसने बात करी है, किसने प्रपोज किया है ये इन्वेस्ट करने का इन द रिटेल आर्म ऑफ रिलायंस? जल्दी 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 जवाब दो, जल्दी जवाब दो यार। सी 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 जल्दी जल्दी, वर्जिन अटलांटिक, जनरल अटलांटिक या फिर पैसिफिक अटलांटिक और मे बी माइक्रोसॉफ्ट। पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इट सीम्स। तुम लोग आधे लोग पिक्चर याद रख के ही क्वेश्चंस क्लियर करके आओगे वहां पे। ओके सो द आंसर टू दिस इज जनरल अटलांटिक। जनरल अटलांटिक हैज प्रपोज टू इन्वेस्ट इतना इन द रिटेल आर्म ऑफ रिलायंस। ओके फोटो देख लो यहाँ पे, ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है जनरल अटलांटिक, ये हमारे रिलायंस वाले अंकल हैं। जनरल अटलांटिक टू इन्वेस्ट इतना करोड़ इन रिलायंस रिटेल, इन रिलायंस रिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ऑर्गेनाइज्ड, किसने ऑर्गेनाइज कराया है 2 डे नेशनल लेवल कंसल्टेशन प्रोग्राम? नेशनल लेवल का कंसल्टेशन प्रोग्राम, काय का कंसल्टेशन प्रोग्राम, किस बात का कंसल्टेशन? नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड कंसल्टेशन। किसने? इज इट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ICAR, ICMR या फिर नीति आयोग, इन चारों में से किसने ऑर्गेनाइज कराया है ये? बताया जाए जल्दी। यस, अ फ्यू ऑफ यू आर राइट। द आंसर टू दिस इज, द आंसर टू दिस इज नीति आयोग। नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज कराया है ये 2 दिन का नेशनल लेवल कंसल्टेशन प्रोग्राम ऑन नेचुरल फार्मिंग। अब नेचुरल फार्मिंग से कई बार देख के एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मत लगाते जाना, ठीक है? एग्रीकल्चर मत लगा देना। नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड ये नीति आयोग ने किया था ऑर्गेनाइज। मैं फोटो दिखाऊंगी तो तुम्हें याद हो जाएगा। द प्रोग्राम एम्स टू ब्रिंग आउट, इसका एम क्या है? टू ब्रिंग आउट सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग एंड टू बूस्ट फार्मिंग इनकम, ये इसका एम था, ये इसका एम है। ओके तो ये देखो, नीति आयोग, नेशनल लेवल कंसल्टेशन ऑन प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है। तो नीति आयोग, नेचुरल फार्मिंग, आई होप दिस इज क्लियर। विच कंट्री इज टू सेंड द वर्ल्ड फर्स्ट माइनिंग रोबोट, जिसका नाम है एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट, इनटू स्पेस? ये ऐसे काम कौन कर सकता है, ये थोड़े अतरंगी काम कौन करेगा? चलो बताओ, विच कंट्री इज टू सेंड द वर्ल्ड फर्स्ट माइनिंग रोबोट नेम्ड एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट इनटू स्पेस? इंडिया, US, चाइना या फिर इजराइल? टेल मी टेल मी टेल मी। ओके यार, अतरंगी काम बोल रही हूँ तो थोड़ा अतरंगी सा आंसर दो ना। सो दिस एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट कौन लेकर, विच कंट्रीज टू सेंड? दिस वुड बी चाइना, ये चाइना तरंगी सा काम करेगा यहाँ पे। इट इज एक्सपेक्टेड टू सेंड वर्ल्ड फर्स्ट माइनिंग रोबोट इन टू स्पेस थ्रू अ प्राइवेट बीजिंग कंपनी, जिसका नाम है ओरिजिन स्पेस। ओके इसका नाम क्या है माइनिंग रोबोट का? एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट, एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट। ओके ये देखो, चाइना टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट, ये देखो, देख लो यार इसको।
मैं भी देख लेती हूँ ध्यान से, देख लो इसको, एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट है ये। नेक्स्ट, द फास्ट पेट्रोल वेसल कनकलता बारुआ, नाम इंपॉर्टेंट है, कनकलता बारुआ हैज बीन इंडक्टेड इनटू व्हिच डिफेंस फोर्स, किस डिफेंस फोर्स में इसको इंडक्ट किया गया है? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड या इंडियन एयरफोर्स? कनकलता बारुआ, बताया जाए जल्दी। बताओ बताओ बताओ, इंडियन नेवी, आर्मी, कोस्ट गार्ड या फिर एयरफोर्स? द आंसर टू दिस इज कनकलता बारुआ की बात कर रहे हैं, और कौन से डिफेंस फोर्स में इसको इंडक्ट किया गया है? कौन से उसमें, कौन से डिफेंस फोर्स में? द आंसर टू दिस इज इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड में ये फास्ट पेट्रोल वेसल जिसका नाम ICGS, इंडियन कोस्ट गार्ड से ICGS आया है, कनकलता बारुआ हैज बीन कमीशन इन टू द इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, अब ये कनकलता बारुआ, हु वॉज कनकलता बारुआ? आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो कनकलता बारुआ के बारे में आपको पता होना चाहिए। द शिप हैज बीन नेम्ड आफ्टर अ टीनेज फ्रीडम फाइटर ऑफ असम। दिस टीनेज फ्रीडम फाइटर ऑफ असम वॉज शॉट डेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, QIM, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर इनकी डेथ हो गई थी। शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, कनकलता बारुआ। ओके, ये देखा जाए यहाँ पे, ICG शिप, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बारुआ कमीशन एट कोलकाता, कोलकाता में इसको कमीशन किया गया है। ओके, और कोस्ट गार्ड में किया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, ये इन्वर्टेड कॉमास में है यहाँ पे, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, दिस इज द थीम, ये थीम है। कई बार तुमसे थीम पूछ लेते हैं, कई बार थीम बता के तुमसे कुछ और पूछ लेते हैं, तो ये थीम दे दी। ये थीम किस दिन की थी? विच स्पेशल डे वॉज ऑब्जर्व यूजिंग दिस थीम? वॉज इट वर्ल्ड होम डे, वर्ल्ड हैबिटेट डे, वर्ल्ड शेल्टर डे, और मे बी इट वॉज वर्ल्ड सेफ लाइवलीहुड डे? बताओ, वॉज इट होम डे, हैबिटेट डे, शेल्टर डे और सेफ लाइवलीहुड डे? वर्ल्ड शेल्टर डे, वर्ल्ड सेफ लाइवलीहुड डे, सारे आंसर दे दिए तुम लोगों ने। द करेक्ट आंसर टू दिस इज वर्ल्ड हैबिटेट डे, ये वर्ल्ड हैबिटेट डे है। ओके, सो द यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर, हर साल के अक्टूबर महीने का पहला मंडे जो है, दैट वुड बी वर्ल्ड हैबिटेट डे, टू सेंसिटाइज ऑन द बेसिक राइट ऑफ एडिक्वेट शेल्टर। ओके, तो इसकी थीम क्या है? वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 की थीम है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। अभी क्वेश्चन में देखा ये, इसके अलावा जो पहला वर्ल्ड हैबिटेट डे था ये 1986 में मनाया गया था विद द थीम शेल्टर इज माई राइट, और ये कहाँ होस्ट किया गया था? इट वॉज होस्टेड इन नायरोबी, कीनिया। ओके, सो दिस वॉज योर वर्ल्ड हैबिटेट डे, ये देख लो, अक्टूबर 5 इस साल था। यूजली इट इज अक्टूबर के महीने का पहला मंडे, सो इस साल इट वॉज इस साल एज इन 2020 में इट वॉज अक्टूबर 5 वर्ल्ड हैबिटेट डे, और थीम यहाँ पे दी हुई है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रीसेंट स्टेटमेंट फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई के रीसेंट स्टेटमेंट द्वारा फाइनेंस कंपनीज के नॉट बी सेटअप विद FDI फ्रॉम विच कंट्री, फाइनेंस कंपनीज जो है वो नहीं सेटअप की जा सकती हैं विद FDI फ्रॉम विच कंट्री, FDI किस कंट्री से वहां पे ये एक्सेप्टेड नहीं रहेगा? मालदीव, मॉरिशियस, सेशल्स या केमैन आइलैंड्स? थोड़ी बहुत इकोनॉमी अगर पढ़ी है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। इट इज बेसिकली अ कंट्री दैट इज अ टैक्स हेवन, जिसको हम टैक्स हेवन बोलते हैं, जहां पे यूजुअली टैक्स बचाने के लिए कंपनीज स्टैब्लिश की जाती हैं। सो एज पर दिस रीसेंट स्टेटमेंट फ्रॉम RBI, दिस कंट्री इज योर कंट्री ऑफ मॉरिशियस। मॉरिशियस एक काफी बड़ा टैक्स हेवन कंसिडर किया जाता है। तो RBI हैज रिसेंटली अनाउंस दैट फाइनेंस कंपनीज कैन नॉट बी सेटअप, इट कैन नॉट बी सेटअप विद FDI फ्रॉम मॉरिशियस। ओके,
इतना समझ में आ गया, ये चित्र देख लो। फाइनेंस कंपनीज के नॉट बी सेट अप विद एफडीआई फ्रॉम मॉरिशियस, मॉरिशियस से एफडीआई जहां से आने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, एफडीआई इज योर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट इज विच इज द बिगेस्ट इकोनॉमी टू ज्वाइन कोवैक्स ग्लोबल कोविड-19 वैक्सीन अलायंस। बिगेस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है, कोवैक्स ग्लोबल कोविड-19 वैक्सीन अलायंस की बात हो रही है एज ऑफ अक्टूबर 10, 2020। इज इट इंडिया, चाइना, यूएस और रशिया। इसके बारे में मैं तुम लोगों को सिर्फ इतना बता देती हूँ कि द बिग ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज चाइना ज्वाइंड इट, चाइना ज्वाइंड इट बैक देन, बट रशिया वॉज आउट ऑफ इट, रशिया डिड नॉट ज्वाइन, रशिया डिड नॉट अग्री टू ज्वाइन। तो यहाँ पे जो बिगेस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है दैट इज चाइना, दैट इज चाइना। सो चाइना हैज फॉर्मली ज्वाइन द WHO बैक्ड ग्लोबल कोविड-19 वैक्सीन इनिशिएटिव। ये है आपका कोवैक्स, कोवैक्स। ओके, एंड दिस वॉज आफ्टर साइनिंग अग्रीमेंट विद GAVI। दिस इज योर इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस, इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस और द ग्लोबल वैक्सीन अलायंस। ओके, सो दिस वॉज अबाउट चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द RBI अनाउंसमेंट, RBI के अनाउंसमेंट के हिसाब से वॉट इज द क्वांटम ऑफ फंड्स, क्वांटम ऑफ फंड्स दैट इज टू बी प्रोवाइडेड टू द बैंक्स अंडर ऑन टैप TLTRO। आधे लोगों को LTRO और TLTRO का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। You need to understand this, maybe for people who are watching it for the first time and are preparing for a next attempt. You need to understand कि साल भर आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। अब वन फाइन डे तुम्हारे सामने TLTRO या LTRO आ जाएगा तो तुम्हारा सिर घूम जाएगा, और मे बी यू कैन अटेम्प्ट ये क्वेश्चन अगर ये ऐसे के ऐसे फॉर्मेट में आ सकता है, बट अगर LTRO TLTRO से रिलेटेड कुछ घुमा फिर आके क्वेश्चन पूछ लिया तो तुम्हारा सिर भी वहीं के वहीं घूम जाएगा। इसलिए करंट अफेयर्स साथ साथ पढ़ना थ्रू आउट द ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो व्हाट इज द क्वांटम ऑफ फंड्स, यहाँ पे मैं अब इस करंट अफेयर्स की क्लास में LTRO और TLTRO तो नहीं समझा पाऊंगी। सो फॉर दोज हु नो इट, बताओ व्हाट इज द क्वांटम ऑफ फंड्स, इज इट 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 2 बिलियन या 2 ट्रिलियन? क्या क्वांटम ऑफ फंड्स है दैट इज टू बी प्रोवाइडेड टू बैंक, जो बैंक को प्रोवाइड किया जा रहा है अंडर ऑन टैप TLTRO, और जिनको पता है फुल फॉर्म वो LTRO और TLTRO का फुल फॉर्म भी बता दो मुझको। चलो जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, लोग कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहा है? ओके, सो सम से इट्स 1 ट्रिलियन, सम से इट्स 2 बिलियन। सबसे पहले LTRO देख लो कि LTRO का फुल फॉर्म क्या है। LTRO के फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, चलो कुछ काफी लोगों ने आंसर दे दिया, इट्स लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, रेपो ऑपरेशन, रेपो रेट पढ़ा है इकोनॉमी की क्लास में, तो इट इज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, दैट इज योर LTRO। अच्छा पहले तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। द आंसर, द क्वांटम ऑफ फंड्स इज 1 ट्रिलियन, RBI विल प्रोवाइड फंड्स टू बैंक्स विच वुड बी अमाउंटिंग टू टोटल ऑफ 1 ट्रिलियन, जिसका टोटल 1 ट्रिलियन होगा। RBI ये फंड बैंक को प्रोवाइड करेगा अंडर किसी चीज के, मतलब अंडर विच टाइप ऑफ स्कीम, ये स्कीम तो नहीं बेसिकली, अंडर कौन सा ऑपरेशन अगर देखा जाए। सो इट इज TLTRO, LTRO देख लिया, TLTRO इज टारगेटेड LTRO, TLTRO इज टारगेटेड LTRO। ओके, सो ये 1 ट्रिलियन की बात हो गई यहाँ पे, 1 ट्रिलियन की बात हो गई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पोस्ट डे, वर्ल्ड पोस्ट डे मार्क्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इन विच कंट्री, इज इट फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और इटली? वर्ल्ड पोस्ट डे, बताओ जल्दी। तुम लोग सब कमेंट में आज सो क्यों गए हो? तुम लोग पिछले क्वेश्चन, चाइना वाले क्वेश्चन के बाद आगे आ ही नहीं पाए हो। दो चार ही लोगों के यहाँ पे मुझे कमेंट दिख रहे हैं, कमेंट करो, एटलीस्ट स्मार्ट वर्क, स्मार्ट गेस वर्क करो यहाँ पे। बताओ वर्ल्ड पोस्ट डे मार्क्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इन विच कंट्री? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन आपका किस कंट्री में एस्टैब्लिश हुआ था जिसके कारण आपका वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर इटली? साधना, राज, राजेश से बी, तान्या ऑल्सो सेज बी,
योगेश फरा प्रियंका ऑल्सो से बी. ओके सो द आंसर इज इंडीड बी. स्विट्जरलैंड इज द आंसर. द वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9th अक्टूबर अक्रॉस द वर्ल्ड. 9th अक्टूबर को मनाया जाता है, अक्रॉस द वर्ल्ड मनाया जाता है, क्योंकि यूपीयू यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एस्टैब्लिश इन द सिटी ऑफ बर्न. ये बर्न यानी कि स्विट्जरलैंड में एस्टैब्लिश किया गया था. ओके अब देखो ये चित्र देख लो. वर्ल्ड पोस्ट डे, इसकी डेट याद रखने के लिए ये फोटो यहाँ डाली गई है, विच इज योर 9/10/20, मतलब 9/10 ही समझ लो, 9th अक्टूबर. ओके एंड यहाँ पे दिया हुआ है यूपीयू यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन. ओके सो प्रियंका का कमेंट पढ़ के मुझे कल प्रियंका क्लास में लेट आई थी वो याद आ गया कि प्रियंका को आई हैड गिवन अ होमवर्क. प्रियंका ने वो होमवर्क बहुत ब्यूटीफुल तरीके से किया है, बहुत प्यार से वो होमवर्क किया है. एंड शी इज एक्चुअली सेंट मी अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशंस इन देयर हेडक्वार्टर्स. आफ्टर दिस क्लास आई विल सेंड दैट डॉक्यूमेंट इन द ग्रुप. वी हैव अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स, तो वो हेडक्वार्टर्स और ऑर्गेनाइजेशंस प्लीज याद कर लेना, भले ही उनका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मत याद करो. ओके प्रियंका गुड वर्क, गुड. नेक्स्ट वी मूव टू नेक्स्ट. ये क्वेश्चन हमारा एज पर द रिसेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का नाम देखो, एनिमल डिस्कवरीज 2019 एंड प्लांट डिस्कवरीज 2019. ये रिपोर्ट जो थी जिसका टाइटल मैंने अभी पढ़ा यहाँ पे, हाउ मेनी न्यू स्पीशीज वर डिस्कवर्ड इन 2019, कितनी नई यानी कि कितनी न्यू स्पीशीज आपकी खोजी गई 2019 में एज पर दिस रिपोर्ट. 84, 284, 544, 1084, बताओ कितनी न्यू स्पीशीज, एनिमल डिस्कवरीज और प्लांट डिस्कवरीज. 2019 की बात हो रही है. ओके सो द आंसर टू दिस इज, द आंसर टू दिस इज 554. अब ये देखो, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये रिलीज की रिपोर्ट, इसका टाइटल मैंने आपको अभी पढ़ के बताया, एनिमल डिस्कवरीज एंड प्लांट डिस्कवरीज 2019. ओके एंड एज पर दिस रिपोर्ट 364 एनिमल स्पीशीज और 180 प्लांट स्पीशीज. 364 एंड 180. अब तुमसे एनिमल पूछता है कि प्लांट पूछता है कि दोनों पूछता है, उस हिसाब से आंसर अपना देना. ओके सो दिस वॉज योर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, एनिमल एंड प्लांट डिस्कवरीज 2019 वाली. आई होप दिस इज क्लियर. वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कौन सा स्टेट. चलो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. नेक्स्ट, विच रेसिंग ड्राइवर, किस F1 ड्राइवर की यहाँ पे बात हो रही है जिसने एफिल ग्रोप्री टूर्नामेंट जीता है. इज इट लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, वेल्टरी बोटास, और मे बी यू हैव डैनियल रिकार्डो या फिर सेबेस्टियन वेटल. एक और ऑप्शन, मे बी आई हैव मिस्ड द करेक्ट ऑप्शन, मे बी. ओके चलो क्या आंसर है इसका, टेल मी द आंसर ऑफ द 18th क्वेश्चन. रेसिंग ड्राइवर, किस रेसिंग ड्राइवर की बात हो रही है. आई लाइक द फैक्ट कि मेरे कंफ्यूज करने के बाद भी आधे लोग, मतलब कोई भी कंफ्यूज नहीं हुआ. द आंसर इज करेक्टली लुइस हैमिल्टन. लुइस हैमिल्टन ने ही जीता था, और ये काफी न्यूज में क्यों था, ये काफी न्यूज में इसलिए था बिकॉज हैमिल्टन जो मर्सिडीज के ड्राइवर है रिकॉर्डेड द 91st विक्ट्री ऑफ हिज करियर एंड फाइनली ही इक्वल द रिकॉर्ड ऑफ माइकल शुमाकर. माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड को इक्वल कर लिया था, इक्वलाइज कर लिया था, इसलिए ये काफी ज्यादा न्यूज में था. ओके चित्र देख लिया जाए, माइकल शुमाकर एंड लुइस हैमिल्टन. हैमिल्टन इक्वल्स शुमाकर रिकॉर्ड विद 91st विन. ओके नेक्स्ट. हैमिल्टन भैया, चलो ठीक है, हैमिल्टन भैया और शुमाकर अंकल, शुमाकर अंकल कैसे हैं, तबियत वबियत ठीक है इनकी कि नहीं है, पता करके बताओ जरा. चलो, पॉल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन, ये दो लोग जो हैं दे आर द रेसिपियंट्स ऑफ विच अवार्ड. इज इट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पीस, और इंदिरा गांधी पीस प्राइज.
पॉल मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। परितोष को यहाँ मस्ती सूझ रही है। ठीक है, ओके। सो फिजिक्स इकोनॉमिक्स पीस या फिर इंदिरा गांधी पीस प्राइज। द आंसर लगा लो, हवाबाजी में तुक्के एकदम तुम लोग मार लो। इट इज नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। तो ये जो नोबेल प्राइज इस साल का था, ये काई के लिए दिया गया था और किसको दिया गया था, इससे मुझे याद आया कि अवार्ड्स पर भी वीडियो बनाना है। सो इकोनॉमिक्स, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो है वो इस साल कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑक्शन थ्योरी। ऑक्शन थ्योरी का नाम आता है, मतलब इस साल की इकोनॉमिक्स के प्राइज की, नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पॉल मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन। इनकी शक्ल देख लीजिए, पॉल मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट विल्सन की, फॉर द इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मैट्स। ठीक है, ये आपके नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय ट्राइफेड एंड आईआईटी कानपुर एंड छत्तीसगढ़, MFP फेडरेशन। ये इनिशिएटिव विच वॉज लॉन्च बाय ट्राइफेड, आईआईटी कानपुर एंड छत्तीसगढ़, MFP फेडरेशन, इसका नाम क्या है? इज इट इनक्रेडिबल ट्राइबल्स, इज इट टेक फॉर ट्राइबल्स, ट्राइबल थ्रस्ट या फिर ट्राइबल लीडर्स? इन चारों में से क्या है? इनक्रेडिबल ट्राइबल्स, टेक फॉर ट्राइबल्स, ट्राइबल थ्रस्ट और मे बी ट्राइबल लीडर्स। चित्र दिखा दिया जाएगा उनको, जिनको याद करने में समझने में थोड़ी सी दिक्कत है। ओके, सो आई हैव अ सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। जिनको याद नहीं होता है सीधे तरीके से, वो फोटो देख के याद कर लें एंड वाइस वर्सा। ठीक, तो इसका आंसर बताएं। आखिरी के 5-6 क्वेश्चंस बचे हैं हमारे, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। राज यादव सेज आईआईटी है तो टेक ही होगा, टेक फॉर ट्राइबल्स, इज इट सो? एग्जैक्टली, इट इज टेक फॉर ट्राइबल्स। राज की ये ट्रिक ही याद रख लो, इसको ट्रिक समझ के याद रख लो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आईआईटी कानपुर, विच मींस इट हैज टू बी रिलेटेड टू समथिंग टू टेक, सो इट बिकम्स टेक फॉर ट्राइबल्स, इट बिकम्स टेक फॉर ट्राइबल्स। तो ट्राइफेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन एसोसिएशन विद छत्तीसगढ़, MFP फेडरेशन एंड आईआईटी कानपुर ने ये लॉन्च किया है। ओके, दे हैव लॉन्च दिस। आगे के डिटेल्स तुम लोग को जब दी जाए पीपीटी, तो इससे पढ़ लेना। देखो, ये टेक फॉर ट्राइबल्स दिया है, ट्राइफेड, आईआईटी कानपुर एंड छत्तीसगढ़, MFP फेडरेशन, इनने लॉन्च किया है टेक फॉर ट्राइबल्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लुई ग्लक, ग्लक देख लो, ग्लक, हु हैज वन द 2020 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। इनने नोबेल प्राइज जीता लिटरेचर के लिए। बिलोंग्स टू विच कंट्री, किस कंट्री से है ये? रशिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? लुई ग्लक, बताया जाए। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लुई ग्लक, ओके। सो द आंसर इज, वेरी गुड तान्या, द आंसर टू दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, लुई ग्लक, एक लीडिंग अमेरिकन पोएट, वन द नोबेल प्राइज ऑफ 2020 इन लिटरेचर एंड शी इज द फर्स्ट अमेरिकन वुमन। पहली अमेरिकन वुमन है टू विन दिस अवार्ड इन पिछले 27 साल, इन 27 ईयर्स। ओके, शी इज ऑल्सो द सेकेंड अमेरिकन वुमन। सेकेंड, देखो 27 साल में तो पहली बार पहली अमेरिकन वुमेन बनी, लेकिन सेकेंड अमेरिकन वुमेन आफ्टर वेटरन राइटर टोनी मॉरिसन, जिन्हें 1993 में जीता था ये। ओके, शी इज ऑल्सो वन द पुलिट्जर प्राइज एंड नेशनल बुक अवार्ड। किसकी बात करी मैंने अभी अभी? ग्लक की बात करी। ये देख लीजिए, ये अमेरिकन पोएट अवार्डेड नोबेल प्राइज, ये आपकी लुई ग्लक है। नेक्स्ट, द फाउंडर्स ऑफ विच इंडियन कंपनी टॉप द IIFL वेल्थ यूरन इंडिया इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट। थोड़ा दिमाग लगाना, सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2020 के अंडर कौन सी कंपनी ने यहाँ पे टॉप किया है IIFL में? इज इट जोमैटो, जेरोधा, उड़ान और फ्लिपकार्ट? बताया जाए कौन सी कंपनी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में रही है, काफी ज्यादा लोगों ने इसको यूज किया है
उस हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाकर बताओ। चलो इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी आप 3-4 क्वेश्चन, बिकॉज हमें इकोनॉमी आज बहुत ज्यादा पढ़ना है। द आंसर इज जेरोधा, ठीक है। जेरोधा कंपनी जो है, इनके जो फाउंडर्स हैं नितिन कामत एंड निखिल कामत, दे टॉप्ड दिस, इस रिच लिस्ट को इनने टॉप किया, और स्पेसिफिकली जेरोधा ने सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2020 में टॉप किया। तुम सबने इसका आंसर सही ही दिया है ऑलमोस्ट। ओके, जेरोधा इज द आंसर। इंडिया हैज एक्सटेंडेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ने एक्सटेंड किया है $400 मिलियन का लोन, लोन एक्सटेंड किया है टू विच कंट्री, ये कंट्री है, ओके, टू विच कंट्री फॉर फाइनेंसिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए किस कंट्री को इंडिया ने, भारत ने किस देश को ये लोन एक्सटेंड किया है? इज इट मालदीव, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका या नाइजीरिया? बताओ इन चारों में से कौन सी कंट्री है? राज सेज इट्स मालदीव्स, साधना सेज इट्स मालदीव्स, ओके, राजा ऑल्सो सेज इट्स मालदीव। सो इन लोगों की बात मान लेते हैं, इट इज इंडीड मालदीव। सो इंडिया ने ये लोन एक्सटेंड किया है, विच इज अ सॉफ्ट लोन ऑफ $400 मिलियन। ओके, ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, ये जो लोन दिया जा रहा है, दैट हैज बीन गिवन बाय एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक बोले तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। और काय के लिए दिया जा रहा है? टू फाइनेंस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए मालदीव्स को ये सॉफ्ट लोन दे रहा है, इंडिया दे रहा है, और ये एग्जिम बैंक दे रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, ये पिक्चर देख लो, एग्जिम बैंक, इंडिया का एग्जिम बैंक, टू प्रोवाइड इतना मिलियन फंड फॉर मालदीव का प्रोजेक्ट। बीच में एक कनेक्टिविटी वर्ड और लगा देते हैं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए है ये। ओके, नेक्स्ट, जोजिला टनल की बात कर रहे हैं। ये टनल रिसेंटली, मतलब उस टाइम पर काफी ज्यादा न्यूज में था, दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? काफी ज्यादा न्यूज में था, ये कोई गलत नहीं करेगा, जोजिला टनल। ओके, द आंसर टू दिस इज जम्मू एंड कश्मीर। जोजिला टनल की बात हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर। इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड इट वुड प्रोवाइड ऑल वेदर सेफ कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड लेह, श्रीनगर और लेह के बीच की कनेक्टिविटी की बात हो रही है, इसलिए हम जोजिला टनल की बात कर रहे हैं। चित्र देख लिया जाए, ये रहा आपका टनल श्रीनगर से लेह के बीच में। इसमें बोला जा रहा है कि ऑल वेदर एक्सेसिबिलिटी है, ऑल वेदर है मतलब हर हर वेदर में चल रहा है, इसलिए ओपन फॉर ऑल डेज। ओके, ओपन फॉर ऑल डेज। एंड तीसरा, इट इज द लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट बाय डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब रोड टनल इन एशिया। अब तुमसे जोजिला टनल आप पूछने की जगह, अभी जो जैसे ये क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कि कहाँ पर किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, इसकी जगह आपसे पूछ सकता है विच इज द लॉन्गेस्ट बाय डायरेक्शनल, बाय मतलब दो, बाय डायरेक्शनल का सिंगल ट्यूब रोड टनल एशिया में सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है? इट इज योर जोजिला टनल, इट इज योर जोजिला टनल। आई होप दिस इज क्लियर, इतना क्लियर हुआ है। नाउ वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ये जो आखिरी क्वेश्चन है, दैट इज विच स्टेट, कौन सा स्टेट है दैट इज सेट टू होल्ड अ स्पेशल असेंबली? बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा स्टेट है दैट इज सेट टू होल्ड अ स्पेशल असेंबली सेशन टू ब्रिंग लेजिस्लेशन, एक लॉ लाने की बात करने के लिए? कौन सा स्टेट एक स्पेशल असेंबली सेशन रखेगा या रखा गया है टू काउंटर न्यू फार्म लॉज? न्यू फार्म लॉज को काउंटर करने के लिए कौन सा प्रदेश ऐसा है जिसने एक स्पेशल असेंबली सेशन ऑर्गेनाइज किया? इज इट केरला, तमिलनाडु, पंजाब या छत्तीसगढ़? ये क्वेश्चन गलत करोगे अगर तो बहुत दिक्कत की बात है। द आंसर, ओके, योगेश सेज, योगेश नुपुर, साधना तान्या, एवरीबडी एक्सेप्ट सौरभ, वाई आर यू सेइंग ए, वाई आर यू सेइंग ए? द आंसर टू दिस इज पंजाब। पंजाब ही तो करेगा, पूरा प्रोटेस्ट इज गेटिंग रिलेटेड टू पंजाब, राइट? पंजाब वहां पे सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट, सेंटर स्टेज ऑफ प्रोटेस्ट है, तो कोई चीज अगर प्रोटेस्ट से रिलेटेड आ रही है, आप देख रहे हो कि पंजाब गवर्नमेंट उसके लिए लॉ बना, उसके अगेंस्ट लॉ बनाने के लिए एक स्पेशल असेंबली लेकर आई थी, स्पेशल असेंबली सेशन लेकर आई थी। सो द आंसर टू दिस इज पंजाब, इट इज पंजाब। ओके,
सो हियर वी कंप्लीट 25 क्वेश्चंस ऑफ अक्टूबर. हम अगले 25 क्वेश्चंस आज ही कभी किसी एक वीडियो में, एक लेक्चर में ले लूंगी, उसमें कंप्लीट कर देंगे. दिस इज द ईमेल आईडी फॉर दोस्त जिनको डाउट है, वो यहाँ पे डाउट मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा MCQs सॉल्व करो. एंड ऑल्सो यू गेट नोटिफाइड अबाउट कब क्लास होने वाली है, किस टॉपिक पर होने वाली है. बेल आइकन दबा लो. आधे लोगों का अब यही मेल आता रहता है मेरे पास कि हमें पता ही नहीं चलता क्लास कब शुरू हो जाती है. घंटी बजाओ नीचे, जो बेल आइकन है सब्सक्राइब करने के बाद, वो घंटी भी बजाओ ताकि तुम्हारे जब क्लास शुरू हो तो तुम्हारे फोन में घंटी बज जाए, ताकि दिमाग में घंटी बज जाए और क्लास में आ जाओ. ओके, सो दिस इज इट, दिस इज इट. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. इकोनॉमी की क्लास रखेंगे. आई हैव टू थ्री आई हैव टोल्ड यू कि दो तीन चीजें आज क्या कवर होने वाली हैं, तो हम लोग उस पर बात करेंगे. एंड दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर. होप टू सी यू सून. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और घंटी भी बजा लो. ओके, थैंक यू सो मच.